अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, तो क्या हाल है। मैं हूँ साकिब और आज अभी आपको बहुत ही ज़रूरी और अहम एक बात आप लोगों से आप शेयर करनी है। वो बात ये है कि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने जो है कल की डेट में पेट्रोल नहीं देना आप लोगों को, और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग आज की डेट में अगर अपने जो जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की काम करते हैं, तो अगर वो आज ही अपने लिए कुछ आने वाले एक दो दिन के लिए पेट्रोल डलवा के रख लेंगे तो वो उनके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने बोला कि कल से पेट्रोल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंपों पे, कल से पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। तो ये एक लोग आप लोगों के लिए जो है एक अवेयरनेस मैसेज है कि आप लोग आज ही अपने पेट्रोल पंप जो है अपनी बाइक्स में अपनी गाड़ियों में अगर पेट्रोल डलवाना चाहते हैं तो वो डलवा लें, क्योंकि कल की डेट में आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा किसी भी पेट्रोल पंप पे। क्योंकि इस चीज़ की कल वो मीटिंग भी हो गई है और इस चीज़ का उन्होंने बता भी दिया है, और जाहिर सी बात है कि कुछ भी हो जाए कैसे भी हो जाए आ जाके रगड़े में कौन आती है, वो आवाम आती है। तो आवाम का तो यहाँ पर कोई परेशान हाल नहीं है, ठीक है, और उसको कोई पूछने वाला भी नहीं है, लिहाजा कोशिश करें कि आप अपनी सेफ्टी खुद ही कर लें। एक आप लोगों को आगाही का मैसेज देना था मैंने, जो कि मेरा फ़र्ज़ बनता था, क्योंकि मैं सारा दिन ऑन रोड रहता हूं और रोड से रिलेटेड और जो भी सारी चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो इसी वजह से जो है आप लोग कोशिश करें कि अपने लिए पेट्रोल का इंतज़ाम करके रखें, और कोशिश करें कि अगर आप अपना टैंक फुल करवाते हैं तो वो निकाल के बोतल में रख लें, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क में चोरी भी बहुत आम है, पेट्रोल चोर भी होते हैं, हर मोहल्ले में हर गली में हर जगह पे पेट्रोल चोर होते हैं, और जिनकी बाइक्स बाहर खड़ी होती हैं उनके लिए जो है यही है सजेशन मेरी तरफ से कि वो अपनी बाइक में से पेट्रोल निकाल के बोतल में रख लें और अपने आप को सुकून में रखें, ताकि अब पता नहीं कितने दिन के लिए वो बंद करते हैं कितने दिन के लिए नहीं बंद करते, जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं होता तब तक तो जाहिर सी बात है आवाम ने ज़िलो ख्वार होना है, और जहाँ से मिलेगा वो जहाँ पे पेट्रोल इस टाइम 253 रुपये कुछ पैसे लीटर है, और वो मिलेगा जिसके पास पड़ा होगा वो 300 रुपये लीटर देगा 400 रुपये लीटर देगा। तो यही है कि हम लोग ऐसे मामलात में हम लोग अपने आप को थोड़ा सा वो नहीं करते, अवॉइड नहीं करते, अपनी चीज़ों को अवॉइड नहीं करते, लेकिन हम लोग वो महंगी चीज़ खरीदते हैं। तो एक ये स्पेशल मैसेज था आप लोगों के लिए, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ। तो इसके साथ साथ मज़ीद कोई मेरी तरफ से इंफॉर्मेटिव चीज़ आती होगी वो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।